स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है लाइफ ऑफ नविता। आज के चैनल में हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रैवलिंग ब्लॉग्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी खड़े हैं कापरवाड़ी जंक्शन में जो कि बेस्ड है थाने के सेंटर में। हमने ये लोकेशन इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ से आप घोड़बंदर से भी आ सकते हैं और थाने स्टेशन से भी आ सकते हैं। थाने के ओवरऑल जो भी पब्लिक है वो यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि ईजी एक्सेस होगा सबको लोकेशन पे पहुँचने के लिए। तो आज का जो हमारा लोकेशन है वो उसे कहा जाता है कोलशेट क्रीक, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कोलशेट खाड़ी। हम ये लोकेशन इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और ये एक टाइप का हिडन प्लेस ही है। और यहाँ पे आप फैमिली को भी लेके आ सकते हैं और नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आपको दो टाइप के लोकेशन हो सकते हैं। एक होता है बालकुम नाका, जो जहाँ पे बस स्टॉप है, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको आने के लिए, मतलब आप अगर कोई और से आ रहे लोकेशन से थाने छोड़ के, मुंबई से हो या कहीं से भी हो, कल्याण या भी कहीं से भी, वहाँ से आपको स्टेशन उतरना है थाने के लिए। और मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि वो बस स्टॉप कहाँ पे है और वहाँ पे आपको आने के लिए बस पकड़ने के लिए आपको स्टेशन से बस पकड़ना है तो, और वो आपको ड्रॉप करेगा बालकुम स्टेशन, बालकुम बस स्टॉप पे। तो वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली होगा 10-20 रुपये बस का लेंगे भाड़ा, और ऑटो से होगा अप्रॉक्स मान के चलिए 20-30 रुपये या 40 रुपये मैक्स और पर पर्सन। और यहाँ से भी अगर आप देख सकते हैं तो कापरवाउड़ी में भी अगर आपको आना है, आपके पास कार नहीं है और बाइक नहीं है, आप ऐसे ही आना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ पे आपको कैसे भी करके कापरवाउड़ी जंक्शन में पहुँचना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो स्टैंड मिलेंगे जो आपको बालकुम नाका तक पहुँचाएंगे। तो वहाँ से आपको वॉकेबल डिस्टेंस होगा, वो अप्रॉक्स 20 मिनट्स या 30 मिनट्स लगेगा आपको वो लोकेशन पर पहुँचने के लिए। लेकिन वो जो नज़ारा होने वाला है वो पूरा नेचुरल होने वाला है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आपको अभी आगे हम दिखाएंगे कि बालकुम नाका कहाँ आता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये है बालकुम लोकेशन और ये है बालकुम स्टेशन जो बनने वाला है इन फ्यूचर। तो आप मेट्रो से भी आ सकते हो आगे, फिलहाल तो हम बता के रख रहे हैं आपको। और ये जो सिग्नल दिख रहा है ये है बालकुम का नाका जो एक सेंटर है इसके लिए, अगर आप थाने स्टेशन से आ रहे तो। और ये जो रोड है यहाँ से आएगी बस जो थाने स्टेशन से आएगी, और थाने स्टेशन से आपको ये जो बस स्टॉप है यहाँ पर ड्रॉप करेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं ये बस स्टॉप है बालकुम नाका का। तो यहाँ से आपको आगे जाना है और सीधा सीधा वॉकिंग करते हुए एक अप्रॉक्स 200 से 300 मीटर आपको चलना है, जहाँ से आपको एक लेफ़्ट दिखेगा तो वहाँ पे आपको अब लेफ़्ट मारना है और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो देखते रहिए कि कैसे क्या है। ये जो लोकेशन है, लोकेशन खाली याद रखिएगा, ये लोकेशन है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है एक RTO ऑफिस है जो एक आपको लैंडमार्क हो सकता है, जहाँ से आपको लेफ्ट मारना है। ये जो हाईवे जा रहा है यहाँ से नहीं जाना है आपको, आपको लेफ्ट मारना है। जो ये पाइपलाइन दिख रहा है वो भी आप याद रख सकते हो। यहाँ से आपको जो नज़ारा दिखने वाला है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। तो आप देखते रहिए क्या है, यहाँ पे आपको वॉकिंग करना है, क्या एक्टिविटी करना है, रनिंग करना है, या फिर आपको साइकिलिंग करना है तो आप वैसे भी करने आ सकते हो, या फिर नॉर्मली कार से भी आ सकते हो, बाइक से भी आ सकते हो, जो आपको डायरेक्ट लोकेशन पर जाके ही रुक सकते हैं ऐसा।
तो गाइज ये है वो पार्किंग लोकेशन जहाँ पे आपको पार्क करना है गाड़ी, आप आगे मत लेके जाइए, ये मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि आगे पब्लिक को चलने की स्पेस है। तो यहाँ पे अगर आपको फ्री में मिल रहा है पार्किंग, तो यहाँ पे पार्किंग फ्री है, तो यहाँ पे आप कार लगा सकते हैं, बाइक लगा सकते हैं, जो आपको लगा सकते हैं। तो गाइज ये गार्डन का नाम है कोलशेद वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रकल्प, जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है, और यहाँ से है आपकी एंट्री, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ पे आप आपको आपके बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे गार्डन भी है आगे, जहाँ पे बच्चे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है, खेल सकते हैं, स्लाइड्स वगैरह है, वो भी आपको दिखा देंगे हम। यहाँ पर अगर आप आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह नहीं करना, यहाँ पे डस्टबिन दिए हुए, तो वहाँ पे ही ट्राई करना फेंकने के लिए, जिससे क्लीन रहे। ये गार्डन काफ़ी बड़ा है, तो आपको अगर बाहर वॉक नहीं करना है या फिर ऐसा कुछ है कि आप डायरेक्ट कार लेके आ रहे हो, आप वो व्यू एंजॉय नहीं कर पाए और वहाँ पे वॉक नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे भी वॉक कर सकते हो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ। इस लोकेशन पे आने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको मॉर्निंग में अगर आना है, मॉर्निंग व्यू देखना है सनराइज़, तो मॉर्निंग 6 to 11 तक आप आइएगा, और शाम को अगर आपको सनसेट का एंजॉय करना है तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा दोपहर को 4 से लेकर 7 बजे तक आप यहाँ रुक सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए यहाँ आने के लिए। यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए भी, एक्टिविटी करने के लिए भी है, तो वो भी आपको मैं दिखाई दूँगा। काफ़ी बड़ा है ये लोकेशन, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत आगे तक है ये, तो वो हम आपको कवर करेंगे। जो मेन चीज़ है वो आपको पहले दिखा देते हैं, मतलब जो एक्टिविटी करने लायक है यहाँ पे वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट भी है, यहाँ पे भी आप आके खेल सकते हैं। दोस्तों ये एक साइड से कह सकते हैं कि थाने का सबसे बड़ा गार्डन है, क्योंकि ये अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक सिर्फ गार्डन ही है। तो देखिए अभी आप आके तो पता चल ही जाएगा, और ये एक्चुअली में देखा जाए तो फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है। और हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसे कपल स्पॉट या ऐसे कुछ ना बनाए, इसे एक्टिविटी के लिए और फैमिली के लिए रखें प्लीज़। यहाँ पे आप बर्ड्स की भी आवाज़ें सुन सकते हैं, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो सारी थकान निकल जाएगी अगर आप यहाँ पे आते हो, तो सारा दिन भर का फ्रस्ट्रेशन अगर आपको हफ्ते भर का निकालना होगा, तो ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आके आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो। फाइनली गाइस हम गार्डन के एंड तक आ ही गए, मेरा एंड। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आते हो तो प्लीज़ आपके साथ पानी के बॉटल्स और कुछ स्नैक्स कैरी कीजिए, जिससे आपको कुछ खाने मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटी है नहीं फिलहाल। तो अगर आगे जाके और पब्लिक आती है यहाँ पे, तो शायद आके स्टॉल्स वगैरह खुल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नियर बाय है नहीं कुछ, तो ये सब चीज़ें आपके साथ कैरी कर लीजिएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर प्लान करके आइए। एक एक्टिविटी करने के लिए आप देख सकते हैं सभी कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़्यादा पब्लिक यहाँ है नहीं, तो आ सकते हो यहाँ पे एनी टाइम, बेस्ट टाइम तो यही मॉर्निंग का होगा। गाइस इस गार्डन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे साइकिलिंग अलाउड नहीं है, बाकी आप वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, और सिर्फ साइकिलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। हमने पूछा था वॉचमैन को, तो उन्होंने कहा कि
साइकिलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है बस। तो साइकिलिंग आपको, साइकिल अगर आप ला भी रहे हो तो आपको यहाँ पे ही पार्क करना होगा जहाँ पे कार और बाइक पार्किंग है। तो और कुछ ऑप्शन है नहीं, बस आप लॉक लेके आइएगा सेफ्टी के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है जहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिख सकता है, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा क्या क्या है रूल सुन के और टाइमिंग, और आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी, वो सब भी दिया गया है। भाई जी पीछे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे आप फोटो शूट करा सकते हो, और आगे जाके अगर आप देख रहे हैं आपको तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने के लिए भी स्पेस है, और नॉर्मली आपको व्यू अगर एंजॉय करना है बैठ के और बारिश से बचना है तो यहाँ पे बैठ सकते हो, छत भी है। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस है, और वहाँ पे फोटो शूट के लिए आपको एक बोर्ड दिखेगा तो वो भी आपको हम दिखाते हैं कहाँ पे है, और आगे का व्यू भी दिखाते खाड़ी का क्या है। और क्या इसी लोकेशन की बात कर रहा था मैं, जो ये शिप है यहाँ पे आप फोटो शूट करवा सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू आएगा और ऐसे लगेगा कि आप कहीं बाहर हो। दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो पीछे बोट है ये है ढाबे है, बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे, जिसमें से मेरा एक फेवरेट है जो है द पैक के नाम का, तो वो यहीं पे है। और यहाँ पे आप कार लेके भी आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, ऐसे टाइप के ढाबे हैं जो फैमिली फ्रेंड्स ड्रिंक्स सब अलाउड है यहाँ पे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना जितना हो सके, बेल बटन को दबाइए। समझ गए बेल बटन।